वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साफ सफाई में लापरवाही पर जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने कॉन्ट्रैक्टर पर लगाया लाखों का जुर्माना। समय से कूड़ा नहीं उठाने पर की गई ये बड़ी कार्रवाई। मैंसर साइनत पर 12.47 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह का एक्शन नजर आया है। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं और सेक्टर का निरीक्षण करने पर जनता से शिकायत मिली थी। सफाई और कूड़ा उठाने पर प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्राधिकरण के सीईओ ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, साफ सफाई में लापरवाही पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कंपनी थी जिस कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी घरों से कूड़ा उठाना, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था थी, काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी, आज इसका कार्रवाई की गई है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी पे एक अर्थदंड लगाया गया है ताकि अपने काम में सुधार करें। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि घरों से कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको ये काम सौंपा गया है और इसकी निगरानी प्राधिकरण के अधिकारी करते हैं। जिस तरीके की ये चीजें सामने निकल के आई हैं और उसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई है, और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की व्यवस्था को अगर सुधार नहीं करेंगे तो कंपनियां हैं उन पर भी कार्रवाई होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसी बात से इनकार नहीं किया। प्राधिकरण के अधिकारियों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस काम के लिए कंपनियों को निरुद्ध किया गया है, उनके साथ जो एग्रीमेंट है, उसका अगर अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल राजकुमार, जानकारी भी मिल रही है कि सफाई और कूड़ा नहीं उठाने पर प्राधिकरण ने अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बिल्कुल, ये व्यवस्था बहुत पहले से भी है, एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर फोन करके अगर कहीं गंदगी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बाकी ये ऐसे शहर हैं कि इस समय जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसमें कभी 400 नंबर पर गिने जाते थे हम, लेकिन आज हम चौथे पायदान पर खड़े हैं। तो ये प्राधिकरण के अधिकारी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर चाहते हैं कि साफ सुथरा शहर होना चाहिए और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी ये नंबर दिया गया है कि यदि लोगों को अगर सही तरीके से उनके घरों पर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां अगर समय से नहीं पहुंच रही हैं, तो इसकी शिकायत को इन टोल फ्री नंबरों पर भी कर सकते हैं, जो कंट्रोल रूम में जाएगी और उसके बाद फिर इसकी मॉनिटरिंग होगी। उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन तक इन शिकायतों को पहुंचाकर कार्रवाई करने का, और ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई भी इस टोल फ्री नंबर के थ्रू ही कही है, जहाँ से जानकारी मिली और उस जानकारी को दुरुस्त करने के बाद फिर ये कार्रवाई आगे की गई। ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो समय से कूड़ा नहीं उठाने पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी दे दी कि साफ सफाई को लेकर यहां पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं और सेक्टर का निरीक्षण करने पर जनता से शिकायत मिली थी साफ सफाई को लेकर। सफाई कूड़ा नहीं उठाने पर प्राधिकरण ने हेल्पलाइन भी जारी किया है, जिसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं। आसपास के इलाकों में अगर कूड़ा नहीं उठाया जाता है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई साफ सफाई को लेकर सामने आया है। नोएडा में बंद बीमा पॉलिसी चालू कराने के नाम पर साइबर जालसाज ने एनटीपीसी के रिटायर्ड एजीएम से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है और इसमें आरोप है कि जालसाज ने पिछले 1 साल में सिक्योरिटी चार्ज, बैंक चार्ज, सर्विस चार्ज और जीएसटी समेत कई अन्य मदों के नाम पर ठगी की है। और इस मामले में पैसे लेने के बाद जब आरोपियों ने रिटायर्ड एजीएम का फोन उठाना बंद कर दिया तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। देखिए, 21 तारीख को सेक्टर 113 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें इंश्योरेंस के नाम पे एक बहुत लंबा फ्रॉड किया गया है। इनफैक्ट एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने थाने पर आके सूचना दी
कि उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, उस पॉलिसी के भुगतान के नाम पे लगभग 1,62,00,000 रुपए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनसे ले लिया गया है। इसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो एलिगेशंस थे उसको देखा और लगा कि इसमें हम लोगों को FIR करनी चाहिए। FIR करके हम लोगों ने तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। इसमें 3 लोग नामजद हैं। और नोएडा के सेक्टर 82 भंगेल में 14 मई को हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी दे दी कि मृतक अभय की गाड़ी आरोपियों से टकरा गई थी और जिसके बाद आरोपियों ने अभय की पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। फिलहाल फेज 2 थाने की पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां गाड़ी टकराने पर पत्थर से पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। 14 मई 2022 थाना फेस्ट अंतर्गत मंगेल के पास एक चैतन्य बिल्डिंग है, वहाँ एक अज्ञात 3 लोगों के द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। इसको आज फेस्ट पुलिस ने खुलासा किया है। 14 मई शाम को लगभग रात को लगभग 10 बजे एक अभय त्यागी का 3 लोग ने मर्डर किए थे। इसमें पुलिस ने वहाँ का CCTV फुटेज, टावर डंप, बाकी गाड़ी, इसमें 2 गाड़ी यूज हुआ था। और गुरुग्राम में हुए CA की गिरफ्तारी के बाद से नोएडा में इसका असर दिखने लगा है। नोएडा के तमाम CA आज सड़कों पर उतरे हैं और गुरुग्राम में हुई उनके साथियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सेक्टर 62 स्थित GST दफ्तर के बाहर CA ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में CA एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे CA की मांग है कि उनके साथियों की जल्द से जल्द रिहाई हो, साथ ही इसमें जो अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जानकारी दी है कि ये अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, इतना बड़ा अमाउंट 107 मिनट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। हम लोग जो यहाँ पर आज एकत्रित हैं CGST डिपार्टमेंट में ज्ञापन सौंपने के लिए कमिश्नर GST को कि जो CA के अगेंस्ट में अरेस्ट या कोई भी चीज़ के लिए दोषी करार दे रहे हैं लोग, उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि GST डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन चल रही है, उसका दोषी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया जा रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये प्रोटेस्ट हमारा हम लोगों के अपने अधिकारों के लिए है। हमारे 2 भाई जो रिसेंटली अभी गुड़गांव में अरेस्ट हुए हैं और उनका भी जमानत भी नहीं मिला है, तो उसके अगेंस्ट में और जो गतिविधियां हैं डिपार्टमेंट की वो मानक के तौर पर नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और गाजियाबाद के नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने व्यापार मंडल अध्यक्ष, मार्केट प्रधान और व्यापारियों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति और व्यापारी अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण ना करे और अगर अतिक्रमण किया जाएगा तो सड़क पर रखे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। तो जिस तरीके से गाजियाबाद के नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने व्यापार मंडल और साथ ही अध्यक्ष, मार्केट प्रधान और व्यापारियों से यह अपील की है कि कोई भी व्यक्ति और व्यापारी अपने दुकानों के आगे अतिक्रमण नहीं करेगा, इस तरीके से अपील की गई है, और साथ ही अतिक्रमण किया जाएगा तो सड़क पर रखे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा वृत्त स्तर पर जोन वाइज रोस्टर बना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई करते वक्त किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को परेशान न किया जाए। साथ में ही व्यापार मंडल और बाकी जो समाज के वहाँ के सामाजिक लोग हैं, वहाँ के कुछ संगठन हैं, उनसे बातचीत करके सबसे पहले बातचीत और अनाउंसमेंट के माध्यम से इनक्रोचमेंट के लिए उनको हटाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। और अगर इसमें विफलता मिलती है या कोई और समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में ही बल का प्रयोग किया जाए। और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने आज मुजफ्फरनगर पहुंचकर शिल्पकारों के साथ लोकवाणी सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शिल्पकार उसे चाइना की तर्ज पर मिट्टी के डेकोरेटिव आइटम बनाने की बात कही और साथ ही सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ओम प्रकाश प्रजापति ने कहा कि योगी सरकार माटी कला उद्योग को विकसित करने और उसे
रोजगार का साधन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि माटी कला बोर्ड का 2018 में गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत शिल्पकार की तरफ से उत्पाद को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। ओम प्रकाश गोला ने बताया कि शिल्पकारों को विद्युत चाक पट्टे और उत्पाद को सेल करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना सरकार की योजना है। उन्होंने शिल्पकारों से कहा कि वो केवल मिट्टी के मटके बनाने में ना उलझे रहें, बल्कि वर्तमान समय के अनुसार चीन की तर्ज पर डेकोरेटिव आइटम बनाएं, ताकि मार्केट में उत्पादकों की डिमांड और भी बढ़ जाए और शिल्पकारों को आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए माटी कला बोर्ड प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि अगर कहीं भी कब्जा किया गया है तो उसे तुरंत हटाया जाए। बिजली से चलने वाले चाक पट्टे उपलब्ध कराना, इसके अलावा इनको जो उत्पाद है उसको सेल करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना, ये योजना हमारे माटी कला बोर्ड की है। हमारा प्रयास ये है कि जो ट्रेडिशनल वर्क है उससे चेंज करके जो भौतिक समय है, वर्तमान समय है, उसके अनुसार हम उत्पादन करें। हम केवल मिट्टी के मटकों तक ही ना उलझे रहें, हम लोग डेकोरेटिव आइटम बनाएं, चीन के तर्ज पर हम अच्छा उत्पादन करें ताकि मार्केट में हमारी ग्राह्यता बढ़ जाए। ये हमारा प्रयास है और आज हम इसी की बैठक, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। हमने देखा कि कितने पट्टे यहाँ पर दिए गए हैं, अगर कहीं कब्जा है तो उसको हटवाना है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सहारनपुर के सरसावा में प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। सरसावा नगर में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बुलडोजर लेकर नगर से अतिक्रमण हटवाया। टीम ने अंबाला रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले से ही व्यापारियों और अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आप पहले ही अपना अतिक्रमण हटा ले वरना प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने बुलडोजर को लेकर नगर से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है और बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं दुकान के बाहर बने अवैध रूप से रैप को तोड़ते हुए व्यापारी और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हो गई। एसडीएम नकुड़ अजय कुमार अम्बष्ट ने कहा है कि योगी सरकार के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत आज बुलडोजर को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि हाईवे के किनारे, सड़कों के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहना। इसी संबंध में हम लोगों ने अभी दो दिन पहले नगर पालिका में बैठकर सभी प्रबुद्धजनों के साथ, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें यह अवगत करा दिया था कि आप सड़क के किनारे जो भी अतिक्रमण है उसे स्वयं हटा लें और उसके बाद रोड के दोनों ओर चूने से चिन्हित कराते हुए आज यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो सतत चलती रहेगी यह प्रक्रिया। और लोगों को यह आपके माध्यम से मैं पुनः यह मैसेज देना चाहता हूं कि वो भविष्य में भी पुनः इन जगहों पर दोबारा अतिक्रमण ना करें, अदरवाइज अगली बार फिर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद पूरे प्रदेश भर में जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटवाया जा रहा है। उसी के क्रम में सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सहारनपुर के सरसावा में भी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की जो टीम है वो लगातार अतिक्रमण को हटवा रही है। आप तस्वीरों देख सकते हैं कि बुलडोजर के साथ जो यहाँ पर टीम पहुंची है वो लगातार जो है कार्रवाई करते नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है, जो व्यापारी हैं जो अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें लगातार अनाउंसमेंट कर सचेत करने का काम कर रहे हैं ताकि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटवा ले, नहीं तो लगातार पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से वो अतिक्रमण हटवाया जाएगा। लगातार आप देखें कि तस्वीरें जो हैं वो अतिक्रमण हटवा रहे हैं, नगरपालिका की टीम है और जो शासन आदेश के चलते जो ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है उसी का क्रम है कि पहले सभी लोगों को अनाउंसमेंट के तहत जो है आग्रह किया गया था, उसके बाद जो है आज जो है बुलडोजर के साथ
पूरी टीम मैदान में उतरी और लगातार जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटवाया जा रहा है। पूरी पुलिस टीम यहां पर मौजूद है। मैं कहूंगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से लगातार जो टीम है एसओ जो सरसावा है वो है और शासी अधिकारी नगर पालिका वो हैं, वो पूरी टीम के साथ मैदान पर उतरे हुए हैं और लगातार अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। तो ये अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में शासन आदेश के बाद लगातार अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, नेटवर्क 10 सहारनपुर। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में आज पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी, जिसमें अलग अलग थानों में 21 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें सहारनपुर पुलिस की तरफ से अलग अलग थानों में 21 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। इसमें गंगोह, देवबंद, बेहट, मिर्जापुर, तीतरों और रामपुर मनिहारन पुलिस ने कार्रवाई की है। और सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ के नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव रामगढ़ में चल रही पटाखा फैक्ट्री को जांच के दौरान सीज कर दिया गया और वहीं इसके बाद से क्षेत्र में आज की कार्रवाई से पटाखा फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस टीम की कार्रवाई के दौरान मौके से कई फैक्ट्री मालिक फरार हो गए और इस दौरान पटाखा फैक्ट्री में भारी अनियमितताएं मिली, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी ने सील कर दिया। ये जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश पे आज जो ये भी पटाखे की जो फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तैयारी हो रहा है, इसकी सघन जांच करनी थी। इसके क्रम में हम लोग, मैं सीओ साहब और सीएफओ साहब और थाना कुतुबशेर की टीम आज यहाँ रामगढ़ एरिया ये लगता है, यहाँ पर एक शाह मसूद के नाम से इनकी फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, तो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर फैक्ट्री में वो तो मालिक तो नहीं मिले, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में इसकी चेकिंग की गई। यहाँ पर प्रथम दृष्टया कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो प्रतिबंधित हैं, जिनको सील कर दिया गया है प्रमाइसिस में। फोरेंसिक टीम को उसका सैंपल ले लिया है और उसको जांच करके भेज के अग्रिम कार्रवाई कर। और एटा पुलिस ने जनपद में हुई कई लूट की घटनाओं का बड़ा खुलासा किया है। जानकारी दे दी कि एटा की स्वात टीम और अवागढ़ पुलिस और जनपदीय इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त कार्रवाई में लूट की योजना बनाते हुए 3 चातुर लुटेरे को अवैध असलहा, कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया है। और वहीं इस दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और गिरफ्तार शातिर बदमाशों के कब्जे से 86,100 रुपये नकद, 3 अंग्रेजी शराब की बोतल, 3 तमंचे और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इन शातिर लुटेरों ने 3 अलग अलग जगहों पर थाना कोतवाली देहात के बिरामपुर बाईपास के पास अंग्रेजी शराब और बियर के ठेके से तमंचा दिखाकर करीब 60,000 रुपये और 2 अंग्रेजी शराब की बोतल लूट ली थी। जबकि दूसरी घटना थाना आवागढ़ के वसुंधरा में अंग्रेजी शराब के ठेके पर गोली मारकर 50,000 रुपये और गुल्लक लूटकर फरार हो गए थे। वहीं तीसरी घटना थाना पिलुआ के भदवास में देशी शराब और बियर के ठेके से यही लुटेरे गैंग 50,000 रुपये लेकर फरार हो गए। देखिए, थाना आवागढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से दुस्साहसिक ढंग से शराब के ठेकों पर माह मार्च से अब तक लूट की घटनाएं 3 कारित की गई थी। यह एक संगठित गिरोह है जिसमें कुल 6 शातिर अभियुक्त इसमें शामिल हैं और इनके द्वारा बड़े ही सुनियोजित ढंग से उन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। प्रायः जब भीड़भाड़ कम हो जाती है रात्रि 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में उक्त घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था और इसको मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।